नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने स्टेट में और अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो रैली भर्ती होती है वो हम कैसे चेक करें। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना जो ब्राउज़र है उस ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें आपको गूगल में जाना है। ठीक है, गूगल में जाने के बाद में, गूगल जैसे ओपन होगा, गूगल में जाने के बाद में आपको उसमें टाइप करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, उसमें आपको लिखना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अभी इसके अंदर ज्वाइन इंडियन आर्मी, JOIN इंडियन आर्मी। ये जो पहली जो वेबसाइट आती है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो सबसे फर्स्ट की वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में कैप्चा कोड आएगा एक, वो कोड आपको डालना होगा और कोड डालने के बाद में इंटर वेबसाइट पे करना होगा। ठीक है, जैसे आप इंटर वेबसाइट पे करोगे तो एक ऑफिसर एंट्री आएगी, एक JSU अप्लाई लॉगिन आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये JSU है, अप्लाई लॉगिन है। इसके जस्ट सामने इधर आएगा रैली प्रोग्राम। ठीक है, रैली प्रोग्राम के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे रैली प्रोग्राम पे आप क्लिक करोगे आपके सामने रैली प्रोग्राम का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें आपको सबसे पहले में देना है अपना स्टेट नेम, तो मैं यहाँ दे रहा हूँ एक बार अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके सामने है उसमें देना है आपको डिस्ट्रिक्ट नेम, यानी अपने ज़िले का नाम भरना है। तो यहाँ मैं ज़िला है वो दे रहा हूँ लोहित। ठीक है, और उसके बाद में आपको यानी सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपने इस सर्च बटन पे दबाया, दबाने के बाद में जो मध्य प्रदेश स्टेट में जो रैली होगी उस रैली का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे दे रखा है कि किस डेट को जो फॉर्म है वो अप्लाई होने शुरू हुए हैं, किस डेट तक जो फॉर्म है वो चलेंगे, और जो रैली डेट है वो क्या है, और रैली की जो एंड डेट है वो क्या है। ठीक है, और सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखा है कि इस इन इन डिस्ट्रिक्ट की ये भर्ती होगी और किस किस कैटेगरी के लिए ये भर्ती होगी, ये सारी डिटेल इसमें दे रखी है। अब एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट दे रहा हूँ जबलपुर। ठीक है, जैसे ही मैंने जबलपुर डिस्ट्रिक्ट दे दिया है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट देने के बाद में मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, सर्च करते ही ये देखिए, ये मध्य प्रदेश आ गया और जो डिस्ट्रिक्ट नेम है जबलपुर है, बालाघाट है, सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ गए हैं और कैटेगरी भी आ गई है GD टेक्निकल ट्रेडमैन के लिए। फॉर्म की डेट वो भी आ गई है, रैली डेट भी यहाँ पे आ चुकी है कि कौन कौन सी रैली डेट है। तो दोस्तों, यही आपको जानकारी देना चाह रहा था कि आप किस प्रकार अपने स्टेट की और अपने डिस्ट्रिक्ट की रैली भर्ती है वो चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।